हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कस्टर्ड पाउडर बर्फ़ी बनाएंगे, तो चलिए कस्टर्ड पाउडर बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे हम एक बर्तन चढ़ाएंगे, इसमें हम 2 कप से थोड़ा कम चीनी डालेंगे। तो जितना हम चीनी डालेंगे उसके ठीक हम आप पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप चीनी और 1 कप पानी ले लिया है। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया था, अब हम गैस को ऑन कर देंगे, चीनी को घुलने देंगे। गैस का फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल गया है, अब गैस को हम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम पे हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा केसरी येलो कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर चाशनी आपकी साफ नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दें और उसके ऊपर जो झाग आती है उसे निकाल लें, चाशनी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। तो हम इसमें एक तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी को हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें तार बनने लगी है, इसमें 2 तार या कुछ चिपचिपा नहीं है, 1 तार बन रही है। तो चाशनी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चाशनी जो है वो गाढ़ा भी नहीं होता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हम तब तक साइड में रखेंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप से थोड़ा कम कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। तो यहाँ मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। तो अभी हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो इसमें हम 1 कप पानी और डाल देंगे। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आप घर में रखे हुए भी कोई एक बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 कटोरी आप कस्टर्ड पाउडर लेते हैं तो चाशनी के लिए 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लेंगे, तो आपका कस्टर्ड बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब गैस पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, तो अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। अब घोल तैयार किया हुआ घोल हम इसमें डालेंगे, तो घोल को पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये नीचे जाके बैठ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे, गैस को हम ऑन कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे गाढ़ा करेंगे, तो गैस का फ्लेम लो ही रखे। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे तो ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो जाएगा, जल भी सकता है, इसीलिए लो फ्लेम पे ही इसे गाढ़ा करें और ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा भी हो जाता है। तो देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम चाशनी डालेंगे। तो चाशनी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चाशनी डालेंगे, फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर चाशनी ठंडा हो गया हो तो उसे आप थोड़ा सा गर्म कर लें। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा चाशनी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इतना चाशनी इसके लिए परफेक्ट होता है। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चाशनी आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट चाशनी बची है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। तो घी भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1 चम्मच अभी हम इसमें घी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच घी और डालेंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो टोटल यहाँ मैंने 3 चम्मच घी डाला है, आप कम भी कर सकते हैं। अगर घी ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप इसमें घी कम भी डाल सकते हैं। घी डालने से ये पैन छोड़ने लगेगा, चिपकेगा नहीं।
जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और पैन नहीं छोड़ने लगता तब तक इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए ये गाढ़ा होने लगा है और पैन भी अच्छी तरह से छोड़ने लगा है, तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो इसी समय ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स कर लें। तो इसे हम तब तक साइड में रखेंगे, आगे का प्रोसेस हम तब तक कर लेंगे। यहाँ मैंने एक सर्विंग डिश ले लिया है, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं या कोई ट्रे भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। तो इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके नीचे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। अब इसे हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से हम इसे प्लेन कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से प्लेन कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। स्पून से हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें चिपक जाए। इसे हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक से दो घंटे छोड़ने में ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। एक घंटा हो गया है तो ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस तरह से पकड़ के हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।